Today our topic is kingdom fungi, and in the previous lecture we gave a little bit introduction about fungi. So fungi are eukaryotic spore bearing thallophytes which lack chlorophyll. They are either saprotrophic and parasitic and possesses a chitinous cell wall. They live both in dark and light environment. The study of fungi is called as mycology, and the person who study fungi is called as mycologist. इतना सा introduction हमने पहले भी किया था, थोड़ा सा आपको review और दे दूँ कि kingdom fungi जो है ये ज़्यादातर जो है यहाँ पर दे lack chlorophyll. इनमें chlorophyll नहीं होता, जिसकी वजह से हम इनको फंजाई किंगडम में रखते हैं. ये ज़्यादातर saprophytic इन नेचर होते हैं, ठीक है, और इनके अंदर काइटिनियस सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है. डार्क एंड लाइट दोनों में काम कर सकते हैं, बिकॉज क्लोरोफिल का प्रोसेस या फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो यहाँ पे नहीं करना. इसके अलावा जो है जो इसकी स्टडी होती है उसे माइकोलॉजी कहते हैं, और जो पर्सन इसकी स्टडी कर रहा होता है उसे माइकोलॉजिस्ट कहते हैं. दिस इज़ द लिटिल बिट जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द किंगडम फंजाई, एंड दे आर स्पोर बेरिंग, देयरफॉर दे आर कॉल्ड दे हैविंग देयर स्पोर इन थैलो फाइट्स. इन्हें हम थैलोफाइट्स में भी कहते हैं. जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई. फंजाई के जनरल करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? फंजाई हैव वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट, मे बी एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल. मैनी आर पैरासाइट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. फंजाई रेंजेस इन साइज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक सच एज यीस्ट टू वेरी लार्ज अप टू 2 meters सच एज टोडस्टूल. ठीक है, फंजाई जो है उनकी रेंज जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत वाइड रेंज इनकी जो है वो होती है, मतलब लार्ज नंबर में ये जो है एग्जिस्ट करते हैं. और इनके जो हैबिटेट्स होते हैं, क्योंकि इनकी एग्जिस्टेंस इतनी ज़्यादा होती है तो इनके हैबिटेट्स भी बहुत सारे हो जाते हैं. हैबिटेट किसे कहते हैं? जहाँ पर ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं, एकोमोडेशन जहाँ पर इनकी होती है उसे हम हैबिटेट कहते हैं. अब इनकी हैबिटेट क्या होते हैं? ये एक्वेटिक भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, लैंड पे भी होते हैं और पानी में भी होते हैं. और मैनी तो इनमें से पैरासाइट्स होते हैं जो प्लांट्स या एनिमल पैरासाइट्स होते हैं, जो कि अपने होस्ट बॉडी के अंदर रहते हैं, पैरासाइट्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स. ठीक है, फंजाई का आप ये भी एग्जांपल ले लें कि कोई फंगस वगैरह जो होता है वो भी इसी की ही एक कैटेगरी है. ठीक है, आगे जाके हम आपको बताएंगे. इसकी जो फंजाई की जो रेंज इन साइजेस है वो माइक्रोस्कोपिक से लेके 2 meters लॉन्ग तक भी होते हैं. अगर माइक्रोस्कोपिक की बात करते हैं तो माइक्रोस्कोपिक में हम यीस्ट, जिसे हम खमीर कहते हैं, उसमें भी हम इसको ये उसमें एग्जिस्ट करता है. और दूसरा जो है 2 meters तक इसकी इसका वो लार्ज स्केल तक जाता है, 2 meters तक, और उसकी एग्जांपल है टोड्स टूल. ठीक है, अच्छा, मोड्स ऑफ लाइफ इन फंजाई. मोड्स ऑफ फंजाई के कैसे वो अपने लाइफ जो है वो किस मूड के तहत गुजारता है, यानी कि वो अपना शिकार कैसे करता है, या वो जो है अपनी जो है उसकी उसकी नस्लें कौन कौन सी होती हैं, तो इसमें वो आपको बता रहा है कि दे लिव एज सेप्रोट्रोप्स, पैरासाइट्स और म्यूचुअलिस्ट्स. फ्यू आर प्रीडेटरी. पहले भी आपको बता चुके हैं कि ये सेप्रोट्रोप्स में भी आते हैं क्योंकि ये स्पोर फॉर्मिंग होते हैं. ये पैरासाइट्स भी हैं जो कि एनिमल और प्लांट्स पैरासाइट दोनों में आते हैं. ये म्यूचुअलिस्ट्स भी हैं जो दोनों माहौलों में रहते हैं, कभी जानलेवा भी हो सकते हैं और कभी जो है वो नॉर्मल भी होते हैं. और ज़्यादा क्वांटिटी में ये जो हैं ये प्रेडेटरी भी होते हैं. फ्यू क्वांटिटी में ये प्रेडेटरी भी होते हैं. लाइक प्रेडेटर्स कौन से होते हैं? जो अपना शिकार करके खाते हैं, तो इनमें से जो कुछ हैं वो प्रेडेटरी भी होते हैं. फंजाइज मॉर्फोलॉजिकली डिफर फ्रॉम देयर अदर ऑर्गेनिजम्स. अब हम ये देखते हैं कि मॉर्फोलॉजिकली ये अदर ऑर्गेनिज्म से कैसे डिफरेंट है. हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स इन द मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजिकली क्या डिफरेंस है इसका अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ? हम तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक
अपने इजी होने के लिए कि हम यहाँ पे फंजाई लिख लेते हैं और यहाँ पे हम अदर ऑर्गेनिजम्स लिख लेते हैं. नंबर वन, देयर प्लांट बॉडी इज थैलस विच इज मोस्टली मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर नोन एज माइसीलियम. इनकी प्लांट बॉडी पहले ही बताया था थैलोफाइट्स होते हैं, तो उसमें थैलस होती है और थैलस के जो थैलस जो है वो मोस्टली जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं या मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं वो उसमें होते हैं, जिसे हम माइसीलियम कहते हैं. मल्टी सेलुलर, द माइसीलियम इज एन इंटरवोन मास ऑफ थ्रेड लाइक फिलामेंट्स कॉल्ड हाइफिया. अब जो माइसीलियम है वो अंदर के प्रोसेस में होते हैं, यानी कि स्ट्रक्चरली अंदर होते हैं, जैसे ये है तो यहाँ पर, और इसे हम हाइफिया भी कहते हैं. ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइफिया, नॉन सेप्टेट और एसेप्टेट. नॉन सेप्टेट और एसेप्टेट आर मेड ऑफ वन सेल विद मेनी न्यूक्लिक दैट इज नो क्रॉस वॉल ऑफ स्पेक्ट्रम बिटवीन न्यूक्लाई. हाइफिया जो है वो दो किस्म के होते हैं, एक होता है नॉन सेप्टेट और एक होता है एसेप्टेट. इनकी इनका काम क्या है कि ये जो एक सेल से मिलके बनते हैं और इनमें जो न्यूक्लाई होता है वो एक स्पेक्ट्रम का काम करता है बिटवीन टू न्यूक्लियस. अगर आप नीचे डायग्राम देखें तो एक तरफ आपको सेप्टेट हाइफिया नज़र आ रहा है जिसमें न्यूक्लाई है, सेल वॉल है, पोर है और स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम भी उसके अंदर आपको मिल रहा है लाइक देयर. इसके डायग्राम एक मैं आपको हल्की सी ड्रॉ करके दूं ताकि आपके लिए थोड़ा सा इसको समझने में इजी हो जाए. दिस इज़ अ हाइफिया. ठीक है, दिस इज इसमें यहाँ पर इसकी सेल वॉल है. ठीक है, सेल वॉल तो ऑलरेडी है जो कि काइटिन से मिलके बनी है. इसके अंदर यहाँ पर न्यूक्लाइज हैं, यहाँ पर इसके पोर्स हैं जो कि इसके स्पेक्ट्रम में मौजूद है. तो ये हाइफिया का स्ट्रक्चर है. दिस इज़ द सेल वॉल, एक सेल वॉल है. सेल वॉल के अंदर जहाँ पे आपको ये नज़र आ रहे हैं ये न्यूक्लाइज हैं, न्यूक्लाइज के साथ ये सेप्टम है, सेप्टम के अंदर एक पोर है. यही पोर यहीं पर फॉर्मेशन ऑफ जो स्पोर्स हैं वहाँ पे होते हैं. ठीक है, इनके सेप्टा हाइफिया आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स सेपरेट ऑफ पोरस पार्टीशन कॉल्ड सेप्टम कॉल्ड पेनिसिलियम. और वही मैंने आपको बताया कि यही सेप्टम के अंदर जो है इनकी सारी जो भी डेवलपमेंट होती है वो ये सेप्टम के अंदर ही होती है, और इसे हम सेप्टेट हाइफिया भी कहते हैं. और एग्जाम्पल जो है इसकी पेनिसिलियम में होती है जो कि मेडिसिन वगैरह में भी हम यूज़ करते हैं. ठीक है, देयर सेल वॉल कंटेन्स काइटिन. पहले बता दिया सेल वॉल काइटिन से मिला है, विच हैज़ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड प्रिवेंट्स ऑस्मोटिक ब्रस्टिंग ऑफ द सेल. अब क्या है कि जब ऑस्मोसिस का प्रोसेस इसमें होता है तो अंदर का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जब अंदर का प्रेशर ज़्यादा होता है तो बहुत सारे चांसेस होते हैं कि जो हाइफिया है वो बिफोर रिप्रोडक्शन जो है वो ब्रस्ट हो जाए. तो ये जो आपकी सेल वॉल, इसकी जो हाईली टेंसाइल स्ट्रेंथ सेल वॉल होती है जो कि काइटिन से मिलकर बनती है, वो इसे प्रोटेक्ट करती है ब्रस्ट होने से, कि ब्रस्टिंग से वो इसे प्रोटेक्ट करती है. इट ऑल्सो हैज़ मोर रेजिस्टेंस टू डिके देन सेलुलोज एंड लाइट एंड लिग्निन फाउंड इन प्लांट सेल वॉल. अच्छा, इसकी जो रेजिस्टेंस है वो प्लांट सेल वॉल से बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, बिकॉज क्योंकि वो सेलुलोज से मिलके बनता है और लिग्निन से मिलके बनता है, लेकिन ये क्योंकि काइटिन से मिलके बनता है तो यहाँ पर इसकी जो एग्जिस्टेंस है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि उसको ब्रश करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर से. ऑल फंजाई बिकेम न्यूट्रिशनली एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉप्स. जितने भी फंजाई हैं वो अगर न्यूट्रिशियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो हेटरोट्रॉप्स हैं. वो दूसरों से अपनी न्यूट्रिशन हासिल करते हैं और उनकी जो पावर है वो डाइजेशन पावर और एब्जॉर्प्शन पावर उनकी बहुत ज़्यादा हाई है. डाइजेस्ट ऑर्गेनिक फूड आउटसाइड द बॉडी देन एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड टू द बॉडी सेल. जो अपनी डाइजेशन करता है वो आउटसाइड द बॉडी होती है, लेकिन जो उस डाइजेस्टेड फूड को की कंजम्पशन होती है वो इंटरनल बॉडी में वो कंजम्पशन होती है. मैनी आर डीकम्पोजर्स. हमें पता है बहुत सारे इसमें डीकम्पोजर्स होते हैं. दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. इनमें कार्बोहाइड्रेट्स स्टोर होते हैं जो कि ग्लाइकोजन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स. फंजाई आर नॉन मोटाइल इन ऑल स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ दैट इज लैक फ्लैजिलेट्स मूव टूवर्ड्स अ फूड सोर्स बाय ग्रोइंग टूवर्ड्स इट.
अब बहुत सारे फ्लैजिलेट्स जो हैं उनकी एग्जांपल ऐसी है कि वो जो है अपने लिए मोटाइल तरीके से जाके अपना फूड हासिल करते हैं, लेकिन इनमें कुछ फंजाइज ऐसे हैं जो नॉन मोटाइल होते हैं, यानी वो मूवमेंट नहीं करते। तो उनकी मूवमेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि वो अपनी मूवमेंट के लिए ग्रोइंग शुरू कर देते हैं, क्योंकि एज़ वो आपको लगने में तो ऐसे ही होता है कि ये प्लांट्स हैं या इनके अंदर कोई ऐसे करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो उसकी जो उनका टारगेट होता है वो वहाँ तक ग्रो करना शुरू कर देते हैं फ्लैजिला की मदद, जो अपने उसके मूड ऑफ मोर्टैलिटी की वजह से। फ्लैजिलाज आर ऑल्सो एब्सेंट बोथ इन फंजाई एंड इन रेड एल्गी, दस मोस्ट माइकोलॉजिस्ट बिलीव दैट फंजाई प्रोबेबली इवॉल्व फ्रॉम रेड एल्जी। तो फंजाई में जो है वो आपको ये बता रहा है कि उसमें फंजाई में फ्लैजिलेटेड्स नहीं होते, वो फ्लैजिला नहीं होते, जिसकी वजह से उसमें रेड फंजाइज भी आते हैं और उसमें जो है जितने भी माइकोलॉजिस्ट हैं, अभी जो मैंने आपको बताया जो माइकोलॉजी पढ़ते हैं उन्हें माइकोलॉजिस्ट कहते हैं, तो जितने भी माइकोलॉजिस्ट हैं उनका उनकी रिसर्च के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि फंजाई जो है वो प्रॉबेबली जो इवॉल्व होते हैं या जो उनकी एवोल्यूशंस होती है वो कहाँ से होती है, रेड फंजाई से। ठीक है, अ फंगस रिप्रोड्यूस बोथ एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। अब फंगस जो है या फंजाई से जो निकलने वाला वर्ड है, मैंने जो फर्स्ट आपको यूज़ करके बताया था फंगस, वो जो है इट इज़ ऑलवेज रिप्रोड्यूस सेक्शुअली एंड एसेक्शुअली। अब यहाँ पर जब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हम देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि ये सेक्शुअली कैसे रिप्रोड्यूस करता है और एसेक्शुअली ये कैसे रिप्रोड्यूस करता है। तो ये मैंने आपको एक फंजाई के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट उसके करेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन किए हैं कि फंजाई के इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताया कि मॉर्फोलॉजिकली जो है ये काफ़ी डिफरेंट होता है। फंजाई के बॉडी में एक थैलस होता है, थैलस टाइप प्लांट बॉडी होती है, प्लांट बॉडी की तरह होता है, प्लांट बॉडी तो नहीं होती, लेकिन इसमें माइसीलियम्स होते हैं, मल्टी न्यूक्लेटेड होता है, इसे हम हाइफिया भी कहते हैं, इसमें अदर ऑर्गेनिजम्स जितने हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते। अब यहाँ पर दो में से डिवाइड कर देते हैं, सेप्टेट और एसेप्टेट। जो आपके फंजाइज होते हैं उसमें जो उनका स्ट्रक्चर है उनमें एक सेल वॉल होती है, उनमें स्पेक्ट्रम होता है और पोर्स, यही स्पेक्ट्रम के अंदर जो पोर होता है यही इसके डेवलपमेंट का सारा। अच्छा, एक बात याद रखें कि बुक में बहुत कुछ इंक्लूडेड होता है, आपने कंसंट्रेट करना है उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपने डिस्कस करने होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स निकालें और उनको बेहतर ये है कि उनको अपने ओन वर्ड्स में लिखें। बुक तो बुक है, उसमें तो दुनिया जहान की चीज़ें हैं, वो भी सही है, आपके मल्टी क्वेश्चंस जो होते हैं MCQs टाइप उसके लिए वो आप जो हेडिंग्स वगैरह होती हैं उनको ज़रूर कंसर्न किया करें। और फिर हाइफा का स्ट्रक्चर बताया, फिर इसमें न्यूक्लाइज होते हैं, इसे ये भी बताया कि ये जो है ये सेक्शुअली और एसेक्शुअली भी रिप्रोड्यूस करता है। हैबिटेट के हवाले से बताया कि वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स इनके होते हैं, जिसमें ये पैरासाइट भी होते हैं, जिसमें ये एक्वाटिक भी हैं, जिसमें ये टेरेस्ट्रियल भी हैं। इनमें जो सबसे छोटे साइज़ का होता है वो यीस्ट होता है और 2 मीटर्स लॉन्ग जो है वो आपका टोडस्टूल होता है। ये सारा एक इंट्रोडक्शन था अबाउट द फंजाई। नाउ द नेक्स्ट इज द, अच्छा इसमें दो पॉइंट्स तीन पॉइंट्स और भी हैं। एक तो टेक्सोनॉमिक स्टेटस है फंजाई का, कि टेक्सोनॉमिकली जो फंजाई हैं नेमिंग जैसे है, नेमिंग वो कैसे होती है। फंजाई डिफर्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स इन मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स, तो प्लांट्स और एनिमल्स से तो ये काफ़ी डिफरेंट होते हैं डिफरेंसेस। अच्छा, इसीलिए ना हम इनको प्लांट्स में कंसिडर करते हैं और ना हम इनको एनिमल्स में कंसिडर करते हैं। इनके बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स प्लांट्स से मिलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये ग्रोइंग करते हैं, इनके अंदर जो है स्पोर फॉर्मेशन होती है, इधर ये सेक्शुअली और एसेक्शुअली दोनों जो है वो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, जो कि डायरेक्टली जो है वो एनिमल्स का एक काम है। तो ये सारा कुछ जो है ये क्या है, ये इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ, इट इज़ वी कांट कंसिडर इट एज अ एनिमल एंड वी कांट कंसिडर इट एज अ प्लांट। तो डिफरेंस ऑफ प्लांट्स पहले हम दो तरीके से बताएंगे कि डिफरेंस फ्रॉम प्लांट्स कैसे होते हैं। फंजाई लैक क्लोरोफिल, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, जिसकी वजह से ये सबसे बड़ा करेक्टरिस्टिक्स है कि ये प्लांट से नहीं मिलते।
दे आर एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉपिक्स रादर देन ऑटोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स अपनी खुराक खुद बनाते हैं जैसे कि प्लांट्स, लेकिन ये तो अपनी खुराक नहीं बनाते, ये एब्जॉर्प्शंस करते हैं फ्रॉम द अदर हेटरोट्रॉप्स. जब ये अदर हेटरोट्रॉप्स वो करते हैं एब्जॉर्प्शन करते हैं, तो ये करेक्टरिस्टिक इनका एनिमल से मिलता है. सेल वॉल कंटेन्स काइटिन इंस्टेड ऑफ सेलुलोज. दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ प्लांट एंड एनिमल डिफरेंस. ग्लाइकोजन इज फॉर्म्ड एज अ स्टोर्ड फॉर्म बाय कार्बोहाइड्रेट्स इंस्टेड ऑफ स्टार्च. अब यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स बन रहे हैं, स्टार्च नहीं बन रहे. ये भी एक करेक्टरिस्टिक्स है इनमें कि वो प्लांट्स में जो है वो स्टार्च बनती है और कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते, जबकि इनमें कार्बोहाइड्रेट्स बन रहे हैं और इनमें स्टार्च का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. फंजाई डिफरेंट फ्रॉम एनिमल हैविंग सेल वॉल. इनमें सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में होती है, एनिमल्स में नहीं होती. एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉपिक्स रादर देन इंजेस्टिव हेटरोट्रॉप्स. ये एब्जॉर्प्शंस करते हैं हेटरोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉपी यानी कि ये दूसरों से हासिल करते हैं और एब्जॉर्प्शन के ज़रिए हासिल करते हैं, लेकिन ये इंजेस्टिव नहीं होते यानी कि ये खाना नहीं खाते. इनके पास कोई ऐसा ऑर्गन नहीं होता जिसकी मदद से ये इंजेक्ट करें अपने फूड को, तो ये सिर्फ एब्जॉर्प्शन करते हैं जैसे अमीबा. नॉन मोटाइल होते हैं. अब नॉन मोटाइल हैं तो ये ऑब्वियसली सी बात है कि ये मूव भी नहीं करते, प्रोड्यूस स्पोर्स नो सेंट्रियोल्स. अनलाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स फंजाई शो न्यूक्लियर माइटोसिस. दोनों के प्लांट और एनिमल दोनों की तरह नहीं, बल्कि ये न्यूक्लियर माइटोसिस जो है उससे रिप्रोड्यूस करते हैं. दस फंजाई आर डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द अदर यूकेरियोट्स, देयरफॉर दे आर प्लेस्ड इन द सेपरेट किंगडम दैट इज़ कॉल्ड किंगडम फंजाई. तो फिर बहुत ही ऑब्जर्वेशंस करने के बाद, रिसर्चेस करने के बाद और बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे उनके हाइपोथेसिस थे, उनकी प्रिडिक्शंस थी, उन सब को देखते हुए फंजाई के जो करेक्टरिस्टिक्स थे उनको जहन में रखते हुए, तो इसको हमने क्या किया, साइंटिस्ट ने सॉरी क्या किया कि इसको ना प्लांट्स में रखा और ना एनिमल्स में रखा, तो इसकी एक अपनी ही किंगडम उन्होंने बना दी जिसका नाम उन्होंने फंजाई रख दिया. डाइवर्सिटी अमंग फंजाई. फंजाइज की क्या डाइवर्सिटी है. द किंगडम फंजाई कंटेन्स मोर देन 1 लाख ओन स्पीशीज, ठीक है, नॉन स्पीशीज, मोस्ट ऑफ विच आर टेरेस्ट्रियल, फ्यू आर एक्वेटिक. फंजाई आर मोस्ट मल्टीसेलुलर, सम आर यूनिसेलुलर, वेरिड इन स्ट्रक्चर. मतलब वही सारी बातें कि इनकी इतनी ज़्यादा 1 लाख से ऊपर, 10 लाख से ऊपर तक इनकी जो है आप कह सकते हैं कि स्पीशीज़ हैं, और वो स्पीशीज़ जो हैं वो मोस्ट वाइडली जो है स्प्रेड हुई हुई हैं, और एक एक स्पीशीज़ को उठा के पढ़ना दैट इज़ अ वेरी टफ. तो इसमें कुछ टेरेस्ट्रियल हैं, कुछ एक्वेटिक हैं, मोस्टली जो है ये मल्टीसेलुलर हैं, सम जो है वो यूनिसेलुलर है, लेकिन ये सारे करेक्टरिस्टिक्स शो करवाते हैं कि फंजाई जो है वो एट द टाइम जो है वो ना प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के साथ वो करेक्टरिस्टिक्स उसके नहीं मिलते, और इसलिए हम उसको एक थर्ड किंगडम में रखते हैं जो कि है आपकी किंगडम फंजाई. फाइन विद इट. नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई. फंजाई को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, अभी आपको बताया था कि इसकी एक वाइड रेंज है बहुत ज़्यादा, तो क्लासिफिकेशन थोड़ी सी जो है वो टफ है. क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई इज बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. क्लासिफिकेशन किस पे डिपेंड करती है, इसकी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पे, कि आइदर ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है या एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, एंड टाइप ऑफ हाइफिया, जो उसके अंदर हाइफिया मौजूद है उसकी टाइप्स पे. दे आर क्लासिफाइड इंटू 3 मेजर ग्रुप्स इन बेसिस पे कि ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, और कितने टाइप ऑफ हाइफियाँ हैं. इन बेसिस पे जब हम फंजाई को क्लासिफाई करेंगे तो उसको 3 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे. 3 मेजर ग्रुप्स में हम उसको डिवाइड कर देंगे. इसमें सबसे पहले आता है जाइगोमाइकोटा, एकोमाइकोटा, बेसिडोमाइकोटा. 3 कैटेगरीज हैं. अब हम इन 3 कैटेगरीज को बनाते हैं. जाइगोमाइकोटा, एस्को भी कह सकते हैं, एको भी कह सकते हैं, एस्कोमाइकोटा एंड देन बेसिडोमाइकोटा. अच्छा, इसके कॉमन नेम्स हैं, फैमिली स्पीशीज़ हैं और नंबर ऑफ स्पीशीज़ हैं, ठीक है. इसको जो जाइगोमाइकोटा होता है इसका कॉमन नेम है ब्रेड मोल्ड्स. जैसे ब्रेड के अंदर जो फंगस लगती है, ब्रेड मोल्ड्स,
ब्रेड में जो फंगस लगती है वो अगर उसकी उसकी आप क्लासिफिकेशन देखें तो वो ज़ाइगोमाइकोटा है, और उस किस्म की जितनी भी फंगस लगती है वो ज़ाइगोमाइकोटा से ही रिलेटेड होती है। इसकी जो फैमिलीज़ हैं वो म्यूकोर है, राइजोपस है, पिलीबोबस है, ठीक है, पाइलोबस है, और इसकी जो स्पीशीज़ हैं वो 2000 हैं। ब्रेड मोल्ड्स इनको कहा जाता है। इनकी जो फैमिली है वो इनकी फैमिली कहलाती है म्यूको राइजोपस, राइजोपस को हम बहुत डिटेल में भी पढ़ते हैं आगे जाके, और पिलोबोलस, ठीक है। और इसकी जो क्वांटिटी है या इसकी जो नंबर ऑफ स्पीशीज़ हैं, कितनी स्पीशीज़ हैं, तो इसमें कम से कम 2000 स्पीशीज़ जो हैं वो मौजूद हैं। ज़ाइगोमाइकोटा, देन कम टू दी एकोमाइकोटा, सैक फंजाई है इसमें, सैक फंजाई में पाई जाती हैं ये। देन ट्रफल्स मोल्ड्स में, ब्लू ग्रीन मोल्ड्स में, पाउडरी मिल्ड्यूज में, चेस्ट नट्स में, ब्लिट में, ये कुछ इसमें फंगस ऐसे भी हैं जो एनिमल फंगस हैं, जो एनिमल को भी लग जाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ब्लाइट फंगस जो है वो टोमेटो और पोटैटो में लगता है, पाउडरी मिल्ड्यू भी होता है, ग्रीन मोल्ड्स भी इनको कहा जाता है, और इनको ट्रफल मोल्ड्स भी कहा जाता है। ग्रीन मोल्ड्स आप इसमें से कोई दो भी लिख दें तो बहुत है, सिर्फ आपने उसकी एग्जाम्पल बतानी है। इसकी स्पीशीज़ है पेनिसिलियम, सेक्रोमाइसिस, मॉर्केला, कैल्विसेप्स और एस्परजिलियस। तो पेनिसिलिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो इसमें है, पेनिसिलिन। और इसकी जो रेंज है, वो रेंज इसकी जो स्पीशीज़ की है वो है 32,000, ठीक है। तो 100,000 तक जब वो जाएगा तो वो 2000 स्पीशीज़ तो आपकी ज़ाइगोमाइकोटा की आ गई, 32,000 आपकी एकोमाइकोटा की आ गई, ठीक है। और जो अगली होगी वो आपकी होगी बेसिडोमाइकोटा। ये बेसिडोमाइसाइट्स भी है, मशरूम्स इसमें आते हैं, रस्ट आते हैं, स्मर्स आते हैं, पफ बॉल्स आते हैं, ब्रैकेट फंजाई भी आते हैं। इसकी एग्जांपल है, एग्रिगस, प्यूसिना, ऑस्टिलिगो, पॉलीपोरस, बोलिटियस एंड अमेनिटा। और ये जो है कम से कम 22,300 की रेंज में आता है, ठीक है। ये आपकी हो गई है क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं कि इसमें कॉमन नेम आपने सबसे पहले बताना है, जो कॉमन नेम हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, फिर उसकी फैमिली और स्पीशीज़, बॉटनिकल नेम जो, सॉरी जूलॉजिकल नेम जो इसका होता है, या बॉटनिकल जो नेम होता है वो क्या है, और कितने नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ इसमें मौजूद है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज के आइदर वो सेक्शुअल है या ए, मतलब इन चीज़ों को उन्होंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, तो आपने भी बस ये बताना है कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेक्शुअलिटी, वेदर दे आर एसेक्शुअली रिप्रोड्यूस और दे रिप्रोड्यूस एसेक्शुअली और सेक्शुअली, और ऑन द टाइप्स ऑफ द हाइफिया। तो वी कैन डिवाइड इट इनटू द थ्री कैटेगरीज। नंबर वन इज कॉल्ड एज द ज़ाइगोमाइकोटा, नंबर टू इज कॉल्ड द एकोमाइकोटा एंड बेसिडोमाइकोटा। ज़ाइगोमाइकोटा इंक्लूड्स ब्रेड मोल्ड्स, दे इंक्लूड सैक फंगस, ब्लाइट ग्रीन मोल्ड्स एक्सेट्रा, एंड देयर बेसिडोमाइकोटा कंटेन्स मशरूम्स एंड ऑल द कैटेगरीज लाइक दिस। देयर फैमिली इज म्यूकर, राइजोपस, फिलोबस, इट्स फैमिली इज पेनिसिलियम एंड इट्स फैमिली इज एग्रिकस और प्यूसिना, राइट ओनली वन, ठीक है, बेसिडोमाइसाइट सॉरी। और ये आगे, और इसमें जो है नंबर ऑफ स्पीशीज, इट हैव 2000 स्पीशीज, इट हैव 32,000 स्पीशीज एंड इट हैव 22,300 स्पीशीज। सो दीज आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ द फंजाई इन विच ऑल दीज कैटेगरीज आर क्लासिफाइड on the basis of these three activities. There is an activity also which said, make a list of fungal diseases and their causes in our country by searching internet source. Also always use internet sources for all these activities which they have given to you, and these activities are very important ki aap ek dafa unko search kare net pe, aur phir especially unke jo इमेजेस हैं उनको ज़रूर देखें, क्योंकि इमेजेस देखने के बाद आपको खुद ब खुद काफ़ी चीज़ों का नॉलेज होना शुरू हो जाता है। नेमिंग जो इनकी है उसको बहुत अच्छे से याद करें। प्रोनाउंसिएशन का कोई फ़र्क नहीं होता कि आप किसी भी प्रोनाउंसिएशन में उसे बोल दें, दैट इज़ अप टू यू, ठीक है। मतलब जैसे अब हम जहाँ पर जिस इलाके में रह रहे हैं, जैसे हम अब बलोचिस्तान में रह रहे हैं, कुछ पठान हैं, कुछ बलोच हैं, कुछ पंजाबी हैं, तो हर बंदे की जो प्रोनाउंसिएशन है वो डिफरेंट होती है,
उनके वे ऑफ टेलिंग जो है वो डिफरेंट होता है, तो उसमें अगर आप प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देंगे तो इट डजेंट मैटर कि प्रोनाउंसिएशन, योर स्पेलिंग मस्ट बी राइट, आपका स्पेलिंग ठीक होना चाहिए और प्लस आपकी जो नॉलेज है अकॉर्डिंग टू ऑल दीज टॉपिक्स, तो वो आपकी नॉलेज जो है इट मे बी वेरी इम्पॉर्टेंट। अच्छा, इसमें अब हम आगे आ जाते हैं, ज़ूमाइगोटा कॉन्जुगेशन फंजाई भी इसे कहते हैं। प्लांट जो ज़ाइगोमाइकोटा इंक्लूड्स फंजाई इन विच डिप्लॉयड ज़ाइगोस्पोर्स आर फॉर्म्ड। इसमें जो ज़ूमाइगोटा है, ज़ाइगोमाइकोटा है, इसमें फंजाइज वो वाले हैं जिसमें ज़ाइगोस्पोर्स बनते हैं डिप्लॉयड, ठीक है। टू राइजोपस जो है वो ब्लैक ब्रेड मोल्ड्स को भी कहा जाता है एंड म्यूकर। दे आर स्पेरोब्स जनरली नोन ऑन रिमेन ऑफ प्लांट, बेकरी प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सम आर पैरासाइट्स ऑफ लैंड, प्रोटेस्ट देयर हाइफिया एक्सेप्टेड विद दिस। ब्रांचिंग माइसीलियम भी इसमें है, हाइफिया और थ्री टाइप्स है, राइजोइड हाइफिया है, स्टोलोन हाइफिया है और स्पोरेंजियोस्फोर हाइफिया है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट टेक्स बाय कॉनिडिया और स्पोर। इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कॉनिडिया और स्पोर से होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे है, इन ज़ाइगोमाइकोट्स इट टेक्स प्लेस बाय कॉन्जुगेटिंग। कॉन्जुगेशन का प्रोसेस मैं आपको समझा चुकी हूँ। द हैप्लॉइड एंड सेल फ्रॉम हाइफिया ऑफ डिफरेंट मेटिंग टाइप्स फ्यूज सेक्सुअली टू प्रोड्यूस ज़ाइगोट विच डिवेलप्स इंटू ज़ाइगोस्पोर। इसमें वही होगा जो अब मैंने आपको बताया कि इसमें मेटिंग हो जाएगी मेल एंड फीमेल स्टेन्स की, ठीक है। मेल जो है वो फीमेल के साथ फ्यूज़ कर लेगा और हाइफिया जो है वो फ्यूज़ करेगा एंड प्रोड्यूस हार्मोन्स दैट स्टिमुलेट द टिप ऑफ हाइफिया टू कम टुगेदर फॉर्मिंग गैमेट्स। और उनके हाइफिया की टिप्स के ऊपर वो कोई हार्मोन्स रिप्रोड्यूस करेगा जिसकी वजह से वो जर्मिनेट करेंगे और यहाँ पर हम इसे कहेंगे गैमिटेंजिया। द प्लस एंड माइनस न्यूक्लाई फ्यूज टू फॉर्म। यहाँ पर आप मेल एंड फीमेल नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर ये एनिमल किंगडम में नहीं आते, तो हम इसे प्लस और माइनस से ही डिनोट करेंगे। द प्लस एंड माइनस न्यूक्लाई फ्यूज टू फॉर्म अ डिप्लॉयड न्यूक्लियस दैट इज ज़ाइगोट। और यहाँ पर ये एक न्यूक्लियस बनाएंगे फ्यूजन के बाद जो कि ज़ाइगोट कहलाएगा। द ज़ाइगोट डिवेलप इंटू ज़ाइगोस्पोर। द ज़ाइगोस्पोर इज थिक वॉल्ड एंड रिजिस्ट टू अनफेवरेबल कंडीशंस। यहाँ पे ज़ाइगोट जो है उसकी वॉल बहुत ज़्यादा थिक होगी और वो जो इसकी रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा अनफेवरेबल कंडीशंस में होगी। जर्मिनेशन क्या है, एट द रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशंस ज़ाइगोट डिवाइड्स बाय मियोसिस। ज़ाइगोट जो है वो मियोसिस के जरिए डिवाइड करेगा। द वॉल ऑफ ज़ाइगोट स्प्लिट्स, ज़ाइगोट की वॉल फट जाएगी एंड हाइफिया ग्रोज टूवर्ड्स। नीचे डायग्राम में आपको बताया है कि ज़ाइगोट पहले आके लगेगा, उसकी वॉल फट जाएगी और उसके बाद जो स्पोर्स हैं वो फॉर्मिंग बनना शुरू हो जाएंगे। आप ब्रेड को अगर 2-3 दिन ऐसे रख दें तो आप देखेंगे कि पहले वो हल्की सी ग्रीन होती है, उसके बाद वो ग्रीन होने के बाद उसे फंगस फैलता जाता है और जब वो फंगस फैल जाता है पूरे ब्रेड के ऊपर तो एक जाल नुमा सा बन जाता है, वही आपका ये ज़ाइगोमाइकोटा होता है, ठीक है। बर्स्ट एंड स्पोर्स आर रिलीज्ड, ईच स्पोर्स ग्रोइंग इनटू न्यू प्लस एंड माइनस स्टेन्स। हर स्पोर जो रिलीज होता है उसमें प्लस और माइनस स्टेन्स दोनों मौजूद होते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉन्जुगेशन एंड ज़ाइगोट फॉर्मेशन दे आर कॉल्ड कॉन्जुगेटिंग फंजाई एंड ज़ाइगोमाइकोटा। इसे कॉन्जुगेटिंग फंजाई या ज़ाइगोमाइकोटा भी कहते हैं। तो ज़ाइगोमाइकोटा कॉन्जुगेटिंग फंजाई भी है जिसमें आपको ये बताया कि प्लस और माइनस ज़ाइगोट्स जो है, प्लस और माइनस स्टेन्स जो है वो आते हैं और वो हाइफिया की टिप के ऊपर जो है वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से ये जर्मिनेशन होती है और ये प्लस और माइनस स्टेन्स जो है वो ज़ाइगोट्स बनाते हैं। और जब ज़ाइगोट फट जाता है तो उसके अंदर से स्पोर्स निकलते हैं और वो स्पोर्स जो है वो पूरी ब्रेड को कवर कर लेते हैं और ब्रेड मोल्ड्स जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। आफ्टर दिस ब्रेड मोल्ड्स वो पूरा एक किस्म का जाल नुमा या नेटवर्क नुमा बन जाता है विच इज़ कॉल्ड एज दी ज़ाइगोमाइकोटा। Today we will finish our lecture here and in the next topic we will continue this lecture. Thank you.